ये पत्र इमरोज का है अमृता को। अभी स्टेशन पर अवतार को छोड़कर आया हूँ, तुम्हारा खत मिला। नजरें झुक गई हैं, मर्द झुक गया है, मर्द की गैरत झुक गई है, मेरे अंदर का सब कुछ झुका हुआ रो रहा है, एक ही बात को जी कर रहा है। इस तरह बार बार झुकने से ये नजरें, यह मर्द और मर्द का सब कुछ हमेशा के लिए झुक जाए, खत्म हो जाए। ये पत्र इमरोज का था अमृता को। अगला पत्र भी इमरोज का ही है। दोस्त बेगम, यह नावल तुमने कब अमरीका जाकर लिखा था? मैं इस तरह यह नावल पढ़ रहा हूँ जैसे किस्मत पढ़ रहा हूँ। यह किस्मत किसी ईश्वर की नहीं, एक शायर की बनाई हुई है, और वह भी तुम्हारे सिवा कौन बना सकता है। ये चीज इमरोज पत्र लिखते हुए कह रहे हैं। अगला भी पत्र इमरोज का ही है। 900 मील का फासला जो दिखाई देता था वह अब नहीं रहा, पर जो दिखाई नहीं देता वह फासला रहेगा हमेशा, एक जीती जागती गैर फनी कशिश देगा। इमरोज का पत्र खत्म हुआ। आगे देखते हैं। नवंबर 1960 से दिसंबर 1963 तक अमृता इमरोज से नाराज रही। ये किताब का एक सारांश है, थोड़ा सुनिए। नवंबर 1960 से दिसंबर 1963 तक अमृता इमरोज से नाराज रही। उसका गुस्सा जायज था। इमरोज पूरे 3 वर्ष दिल्ली में धुनी रमा कर रोज अपनी ही चिनाब पार करते रहे, रोज एक दूसरे से मिलते रहे। कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अमृता ने 1961 में हौज खास में अपना मकान बनाना शुरू किया, दोनों मकान बनता देख रहे। 1962 में अमृता अपने नए मकान में रहने लगी। 8 जनवरी 1964 को दूरी की यह चिनाव नहीं रही, दोनों साथ रहने लगे। इससे पहले के सालों के अमृता ने जो अकेलापन भोगा उसी अरसे में लिखा हुआ यह खत है 29 मार्च सन 1962 का। दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये वीडियो एक बार फिर से पीछे करके समझ सकते हैं। अब चलिए आगे बताते हैं। ये जो पत्र है अमृता दे रही है इमरोज को। जीती, यह मेरी जिंदगी की सड़क कैसी है जिसके सारे मील के पत्थर हादसे के बने हुए हैं। तुम थे तो घर नहीं था, आज घर है तो तुम नहीं हो। थोड़े से मील की दूरी होती है, लेकिन कानून की छोटी सी मोहर उसे दूसरी दुनिया की दूरी बना देती है। मैं अजीब तरह से इंसान हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे यह बेचैनी मेरी उम्र जितनी लंबी है। यह मेरी उम्र का नाम ही बेचैनी है। अमृता पत्र लिखते हुए ये सारी बातें कह रही हैं। अगला कुछ संदर्भ दिया गया है, निचोड़ दिया गया है, चलिए आपको बताते हैं। जब राजेंद्र सिंह बेदी राड़ो फिल्म बना रहे थे तो एक शाम उनका फोन बंबई से आया कि अमृता उनकी फिल्म के लिए एक गीत लिख दें। वह उस गीत के सिर्फ 500 रुपए दे रहे थे। फोन पर ही गाने की तर्ज बताई गई। अमृता ने गीत लिखा और 2 दिन बाद डाक से भेज दिया। उसके बाद गाने की रिकॉर्डिंग हुई या नहीं अमृता को कुछ भी पता नहीं है। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, ना कोई खत ना कोई फोन। गीत मिल जाने के बाद बेदी साहब भी चुप थे और इनका इकरार भी चुप था। इमरोज ने एक बार बंबई में सुखबीर से पूछा, यह बोलने वाले बेदी साहब तो सुनाई देते हैं, पर क्या यह चुप बेदी साहब किसी को सुनाई देते हैं? बातों का बादशाह अपने ही कहे से खामोश है। हालांकि अमृता ने कभी भी उनका वायदा उन्हें याद नहीं दिलाया, लेकिन इस अगले खत में अमृता का इशारा उसी घटना की तरफ है। देखते हैं, ये खत अमृता का है। जीती, आज ना जाने क्या हो गया जीती, समय खड़ा हो गया। लगता है सवेरे के 10 बजे हैं। अभी चिट्ठी आएगी तब समय चलने लगेगा। अवतार आई हुई है। कल रात अवतार शैली कंदला और मैंने फिल्म देखी थी, माई फेयर लेडी। बड़ा जी किया मैं यह फिल्म तुम्हारे साथ देखती। जीती, तुम्हारी फिल्म कभी बने ना बने,
तुम्हारी पेंटिंग्स की नुमाइश हो ना हो, तुम्हारे अंदर का हुनर और हुस्न स्क्रीन या कैनवास पर उतरकर कभी लोगों के सामने आए या ना आए, पर तुम्हारे अंदर के हुस्न को मेरा सलाम हमेशा पहुंचता रहेगा। मेरे एक ही दोस्त, तुम्हारे सिवा मुझे इस दुनिया में किसी ने नहीं जाना। किसी के ना समझने का शिकवा नहीं, तुम्हारे समझ लेने की तसल्ली है। अभी मुझे अवतार बता रही थी कि बेदी साहब का कहना था कि अमृता पैसे को प्यार करती है, हर चीज को पैसे से तोलती है। तुम भी यह सुनकर हंस लेना, लोग कितने सतही हैं। मैं बेदी को उन लोगों में नहीं गिनती थी, ख्याल था उसे मानव मन की गहरी पहचान है, उसकी मान्यताएं अलग है, उसकी नजर और है, पर सब कुछ सतही है। कमा सकने का गर्व अभी तक किसी ने नहीं जाना। दान में लोगों का विश्वास है, मुफ्तखोरी में लोगों का विश्वास है। यह दान और मुफ्तखोरी लूट के बदले हुए रूप में है। कमाई की खूबसूरती नहीं, कमाई का गर्व जिन्हें हो उनके होठों पर यह शब्द नहीं आते। मेहनत का मूल्य लेना और चुकाना दोनों चीजें एक ही खासियत से पैदा होती है, पर कई लोगों के विश्वास एक तरफ होते हैं। लेना उन्हें ठीक लगता है पर चुकाना नहीं। देने की जगह चुकाना शब्द मैंने बूझ कर लिखा था, जान बूझ कर लिखा था, ताकि देना शब्द से दान की बू ना आए। देना की जगह चुकाना शब्द मैंने जान बूझ कर लिखा था ताकि देना शब्द से दान की बू ना आए। दान से दुर्गंध आती है, पर कमाई शब्द से महक आती है। तुम्हारे महक भरे हाथों का प्यार। सोचिए, अमृता को अपनी ही मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उसने जब उसे पत्र लिखा तो देने के बजाय चुकाने शब्द का प्रयोग किया। सचमुच देने का मतलब दान, चुकाने का मतलब कर्ज। देखते हैं संदर्भ, देखते हैं जो कि एक लाइन का है। 1966 में अमृता के बल्गारिया और मास्को से लिखे गए खत। कहने का मतलब है, अब जो आप आगे सुनेंगे वो अमृता ने सन 1966 में बल्गारिया और मास्को से लिखे थे। देखते हैं खत अमृता का। जीती, घर से जाने पहचाने चेहरे से बिछड़ कर पहला एहसास अजीब अकेलेपन का हो रहा है। रात को जैसे ऊपर देखने पर बादल दिखाई दे रहे होते हैं, इसी समय हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखने पर बादल दिखाई दे रहे हैं, जैसे आसमान को फाड़कर आधा नीचे बिछा लिया हो और आधा ऊपर ओढ़ लिया हो। सिर्फ जिस्म ने नहीं, ख्यालों ने भी। मास्को पहुंचने में अभी 2 घंटे की देर है। ख्यालों को अकेलेपन से चलकर कहीं पहुंचने में अभी ना जाने कितने घंटों बाकी है। ये खत अमृता ने 24 मई सन 1966 को दोपहर 2 बजे लिखा था। अगला पत्र भी अमृता का ही है, इमरोज को। मेरी घड़ी में हिंदुस्तान का वक्त है, 4 बजे हैं। मास्को पहुंच गई हूँ, यहाँ अभी दोपहर के 1:45 हुए हैं। पासपोर्ट की चेकिंग, सामान का टिकट, रात के खाने का कूपन, 1 घंटा लग गया है। अभी दर्शन को फोन किया है, एक मुल्क का मेहमान बनकर आने में और राहगीर होकर गुजरने में क्या फर्क है, बड़ा दिलचस्प अनुभव है। एयरपोर्ट पर लगभग 1 घंटा घूमते घूमते पक गई हूँ। अभी एक कूपन एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जाकर इस्तेमाल किया है, कुल 3 कूपन मिले हैं। हर कूपन में 1 रूबल और 20 कोपेक्स की चीजें ला सकती हूँ। 1 बियर की और 1 अंडे की कीमत एक सी है। रात बिताने के लिए होटल का कमरा अच्छा है, पर यहाँ खाने का इंतजाम नहीं, खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाना होता है। इस समय यहाँ की घड़ी में 4:30 हैं। कमरे के बिस्तर पर बैठकर यह खत लिख रही हूँ। अगर दर्शन आया तो यह खत उसी से पोस्ट करने को दे दूंगी। इस समय रात के 9 बजे हैं और पर अभी तक धूप है। इस समय रात के 9 बजे हैं पर अभी तक धूप है। कभी धूप की तरफ देख रही हूँ, कभी घड़ी की तरफ। इस समय मैं और दर्शन एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे हैं। अगला जो खत है ये भी अमृता का ही है। दोस्त, सोच रही हूँ यह लंबे सफर
अगर अकेले करने हो तो जवानी ही कर लेने चाहिए, जवानी में ही कर लेने चाहिए, नहीं तो हमें इकट्ठे करना चाहिए। अजीब अकेलेपन का एहसास होता है, अकेले अच्छा अकेलेपन की लंबी बात नहीं करती, नहीं तो खत लिखते लिखते पॉल पॉट्स बन जाऊंगी। सोफिया होटल के कमरे में बैठकर यह खत लिख रही हूँ। जिस होटल में ठहरी हूँ वह नया बना है, बहुत अच्छा है, पर यहाँ खाने का इंतजाम नहीं है, खाना खाने के लिए किसी और होटल में जाना पड़ता है। सवेरे हवाई जहाज में चाय मिली थी, पर आज सारे दिन चाय नहीं मिली। शाम को कई जगहों से पता किया, चाय नहीं मिली, यहाँ लोग चाय पीते ही नहीं है। कंदला की बनाई हुई चाय याद आ रही है। ये सारी बातें अमिता अपने पत्र में इमरोज को लिख रही है। अगला भी जो पत्र है वो भी अमृता का ही है। लिखती हैं अमृता, मेरे जीती, सवेरे तड़के उठकर सबसे पहले ख्याल चाय का आया, इस तरह जैसे कंदला को आवाज दे सकूं, भोपी चाय पिला दो। 8:30 बजे एक होटल में जाकर चाय मिली, एक प्याले में चाय की पुड़िया डालकर उन्होंने गर्म पानी में डाल दिया। पुड़िया के कागज में से छन कर चाय का जितना रंग पानी में आ सकता था आया, पर कहां, वह एक आतिशा और दो आतिशा चाय। मेरा यह खत मिले तो नाम पर कई प्याले चाय पीना। अमृता ये सब कह रही है। अगला भी जो पत्र है वो भी अमृता ने ही लिखा है। जीती, ओ मेरी जीती, आज मैं सोफिया की सबसे खूबसूरत जगह पर बैठकर तुम्हें खत लिख रही हूँ। सारा शहर एक हरी घाटी है, जिस पर चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों की मोटी मोटी झालर लगी हुई है। बहुत ऊंचाइयों पर बर्फ की लकीरें गोटियों की तरह चमकती हैं। आज जहां बैठकर खत लिख रही हूं, यह बितोसा पहाड़ी का रेस्टोरेंट है। सोफिया शहर से 1/2 घंटे की ड्राइव, वैसे बसें भी 45 मिनट में पहुंच जाती हैं। पहाड़ी रास्तों का हर मोड़ अचंभों से भरा होता है। झरनों और पहाड़ी नालों की आवाज और पानी, जब तन मन के जोर से पत्थर के गले मिलता है, पानी नहीं पत्थर गाते हुए लगते हैं। सोच रही हूँ अगर मेरी जिंदगी के बाकी दिन तुम्हारे साथ किसी ऐसी पहाड़ी की कोख में गुजरे, मैं जिंदगी बिताऊं नहीं पल पल जीऊं। आज तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो, अगर इन जगहों पर तुम मेरे साथ होते। लकड़ी और पत्थर की एक झोपड़ी में मैंने तुम्हारा स्टूडियो तसव्वुर किया है। परसों मैंने वह होटल भी देखा है जहां परदेशी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही बड़े बाग में बना हुआ है। वहां से शैली कंदला की कल्पना कर रही हूँ। इस समय इस पहाड़ी रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ी मेज बल्गारियन लड़के लड़कियों ने हथियार रखी है। एक बना बांसुरी, एक जना बांसुरी जैसा कुछ बजा रहा है, बाकी गा रहे हैं, कुछ लोग नाच भी रहे हैं। कल सवेरे दिल्ली के कुछ म्यूजिशियंस यहाँ से वापस जा रहे हैं, उनके साथ मैंने तुम्हें एक खत भेजा है, वो दिल्ली जाकर पोस्ट करेंगे। मेरी शैली कंदला को बहुत प्यार। अगला भी जो खत है वो भी अमृता का ही है। मेरे इमरोज, आशिक दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, पर आज मैं मॉस्को में आशिकों की आशिकी देख रही हूँ। गोर्की, चेखव, टॉलस्टॉय, मायकोवस्की और कितने ही और कलम के आशिक इस देश में हुए। कलम के स्वतंत्रता के और मनुष्यता के आशिक और देश में भी होते हैं, पर सोवियत ने जिस तरह इनकी छोटी छोटी यादों को संजोकर सिर आंखों पर रखा है, उन्हें आशिकों के आशिकों से कम कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके नामों पर सड़कें, इनके बुत और इनकी तस्वीरें बनाने के अलावा इनकी कलम द्वारा रचित कृतियां, इनके अंगों से स्पर्श किए हुए कपड़े और इनके हाथों से छुई हुई वस्तुएं, चाहे वह एक चाकू हो, ऐनक हो, कंघी हो, खत हो या चाय की केतली और एक प्याला ही हो, लोगों ने चूम चूम कर रखी हुई है। लोगों की अमीरी उनके खिले हुए चेहरे से हर जगह प्रत्यक्ष दिखाई देती है, पर इन संग्रहालयों में जा खड़े हों तो लोगों के मन की अमीरी की थाह भी मिलती है। आज मैं गोर्की के स्मृति भवन में खड़ी
लेनिन की कद्र और दोस्ती के हकदार लेखक गोर्की की तस्वीरें भी देख रही हूँ और बाल गोर्की के उस घर का नक्शा भी जहाँ उसने अपने नाना का प्यार, गरीबी और मार झेली थी। इसके बीच के समय में घटने वाले हर हादसे के चिन्ह देख रही हूँ। वह पहली मेज जिस पर कोहनी रखकर गोर्की ने पहली कहानी लिखी, वह अखबार जिसमें उसकी पहली कहानी छपी। सन 1902 में गोर्की के घर के आगे जार के लगाए हुए पहले की तस्वीर और गोली से बिंधा हुआ चमड़े का वह बटुआ जिसने दिसंबर 1930 में जब अचानक जार के आदमी ने गोर्की की छाती में गोली मारी थी तब उसकी छाती को बचा लिया था, और 9 जनवरी सन 1905 के उस खूनी इतवार की तस्वीर जब जार की गोली ने मजदूरों की शांतिपूर्ण हड़ताल का सामना किया था और गोर्की का वह रोषपूर्ण लेख जो उसने मजदूरों की सहानुभूति में लिखा था और जिसके बदले में जार ने उसे कैद में डाल दिया था। गोर्की कैदी नंबर 6899 और जेल की उस लोहे की चारपाई का नक्शा मेरे सामने है जिस पर बैठकर गोर्की की कलम ने कितना कुछ रचा था। गोर्की की 25,000 यादों का यह घर और ऐसा ही हर लेखक का संग्रहालय कोई ऐसा मुल्क ही बना सकता है जहां आशिकों की आशिक बसते हों। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अमृता ने किन किन यादों को संजोया हुआ है। चलिए आगे की पत्र आपको सुनाते हैं, इससे पहले संदर्भ समझ लेते हैं। सन 1967 में अमृता के योगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, जर्मनी और तेहरान से खत लिखे थे। सोचिए अमृता कहाँ कहाँ घूमी थी, किन किन देशों में। ये जो आगे का पत्र अब लिख रही हैं वो सन 1967 में अमृता के योगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, जर्मनी और तेहरान से लिखे खत हैं। देखते हैं, अमृता लिखती हैं, मेरे जीती, जो अनुभव इस बार यूरोप को देखने का हुआ है वह बिल्कुल नया है, अजीब भी। कल शाम 6 बजे दुबरोवनिक पहुंची थी, उस समय हिंदुस्तान में रात के 10:30 बजे होंगे। आधा घंटा एयरपोर्ट पर सामान लेने में लग गया और 1 घंटा होटल तक पहुंचने में। थकान और नींद से बेहाल सी थी, आते ही सो गई। सवेरे उठकर 6 बजे रेस्टोरेंट से चाय मंगवाई। होटल बिल्कुल समुद्र के तट पर है, जो बरामदे में बैठकर चाय पी। 9:30 बजे एक लड़की आई, मुझे अपने दफ्तर ले गई। वहां जाकर पता चला कि सिर्फ होटल का कमरा देते हैं, खाना अपने आसपास के होटल में खाना पड़ता है, जिसके लिए वह रोज 7,000 दीनार देते हैं, पर वे अच्छे होटल में खाना खाने के लिए काफी नहीं होते। उन्होंने सलाह दी कि मैं खाना बाजार के सस्ते होटलों में खा लिया करूं, यह बाजार मेरे होटल से काफी दूर है। एक बियर की कीमत 300 दीनार है, सिगरेट का पैकेट भी 300 दीनार में आता है और अमेरिकन सिगरेट का पैकेट 850 दीनार में। अपने होटल वापिस आकर फिर बाजार जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, बहुत गर्मी है। शाम को एक गाइड आएगा कुछ जगहें दिखाने के लिए, उसी समय रास्ते में कुछ खा लूंगी। यहाँ रोज रात को 9 बजे नाटक होते हैं, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, सारा दिन बेडिंग सूट अपने समुद्र तट पर बैठे रहते हैं। जहाँ बहुत खूबसूरत है, जगह बहुत खूबसूरत है, पर मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। शाम को कोई 8:30 बजे आया करेगा, जिसके साथ रोज रात को एक नाटक देख लिया करूँगी। यह दफ्तर का बंदोबस्त है, पर दिन में 2-3 बार बाजार जाना, घूमना, किसी दुकान पर कुछ खरीद कर खाना अकेले और जहाँ किसी को अंग्रेजी नहीं आती, बहुत अजीब लग रहा है। शाम के 6 बज गए हैं, बहुत भूख लगी हुई है, कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं है, सब 7 बजे के बाद खुलते हैं। एक कैफे में एक गिलास बियर और एक सैंडविच खरीदा 370 दीनार में, बियर पी ली, पर सैंडविच इतना सख्त था खाया नहीं गया। कंदला की बनाई हुई भिंडियाँ और पनीर की रोटी बहुत याद आती हैं।
ये खत अमृता एक्सेलसियर होटल से लिख रही हैं। एक्सेलसियर होटल। अगला भी जो पत्र है वो भी अमृता का ही है। मेरे जीती, अभी तुमसे बात कर रही थी कि जाग गई, इसलिए इस जागने को बीच में से होटल के लिए खत लिख रही हूँ। जीती, इस बार अजीब अनुभव हो रहे हैं। एक बात को लेकर अच्छा भी है कि अकेले घूमते हुए मैं लोगों को बहुत निकट से देख सकती हूँ। बाजार में लोग हाथ पकड़ पकड़ कर चीज़ें खरीदने के लिए कहते हैं। कल एक औरत लाल रंग के कढ़ाई वाले थैले बेच रही थी, पीछे पड़ गई कि एक जरूर खरीद लो। बिल्कुल साधारण थैला था, मुझे खरीदना नहीं था, पर कीमत पूछी 6,000 दीनार थी। शहर की मोटी दीवार को ढांसना लगा कर बैठे कुछ आर्टिस्ट अपनी तस्वीरें दिखाते हैं, खरीदता कोई नहीं। बार बार तुम्हारा ख्याल आता है, आर्टिस्टों की जिंदगी की जद्दोजहद हर जगह बहुत सख्त है। साधारण लोगों को रोज के 2,000 दीनार मिलते हैं, पर इससे पेट नहीं भरता। मैंने शाम को एक आमलेट और एक स्लाइस खाया 1,100 दीनार में, बहुत अच्छा लगता अगर तुम मेरे साथ होते। हम चुपचाप समुद्र की ओर देखते रहते। मैं बरामदे में खड़े होकर कभी जहाज़ों के बादबान देखती हूँ और कभी कमरे में आकर हेनरी मिलर पढ़ने लगती हूँ। परहैप्स इट इज द डेथ इंस्टिंक्ट इन मी, द लाइफ इंस्टिंक्ट आर कन्वर्टेड इनटू डेथ इंस्टिंक्ट्स। एक एहसास सा है जिंदगी, कि जिंदगी के बहुत थोड़े दिन बाकी हैं, फिर वे थोड़े दिन भी तुम्हारे बिन क्यों। अकेलेपन को मैंने इससे पहले हमेशा एक तरल चीज की तरह महसूस किया है, बदन पर आते हुए पसीने की तरह, जिसे रूमाल से पोंछा जा सकता है। इस तरह ठोस चीजें जैसा कभी महसूस नहीं किया। यह अपने ही शरीर पर गुमड़े की तरह है, जिसे बार बार हाथों से टोहा भी जा सकता है और जिसका बोझ उठाकर चलना पड़ता है। अगला जो खत है वो भी अमृता का ही है। जीती, इस बार तुम्हें ज्यादा ही उदास खत मिले हैं। फोन पर नजर जाती है तो एकदम फोन करने को जी करता है। यह सब दीवानगी है, इस दीवानगी को चीर कर मुझे बाहर आना चाहिए। अभी लोग नृत्य देखकर आई हूँ, बहुत अच्छे थे, पर तुम याद आते रहे, कंदला भी याद आती रही। 12 तारीख रात 11:30 बजे अकेलेपन के अथाह सागर में तुम्हारा ख्याल एक लाइट हाउस की तरह आया, लाइट हाउस की तरफ भी और लाइट बोट की तरफ भी। इस समय तुम समुद्र और हेनरी मिलर के पास हैं। हेनरी मिलर इस तरह पढ़ रही हूँ जैसे उस पर पीएचडी कर रही हूँ। आज बहुत बारिश है, समुद्र और आसमान एक होने लगते हैं। 13 तारीख तड़के सवेरे अपने ऊपर तुम्हारी पकड़ जिस तरह है वह नॉर्मल नहीं है। पर नॉर्मेलिटी क्या है? हेनरी मिलर के शब्दों में, नॉर्मेलिटी इन द पैराडाइज ऑफ स्केपलॉजिस्ट फॉर इट इज फिक्सेशन कॉन्सेप्ट प्योर एंड सिंपल। इट इज बेटर इफ वी कैन टू स्टैंड एलन एंड फील क्वाइट नॉर्मल अबाउट आवर एबनॉर्मैलिटी, डूइंग नथिंग विद व्हाट एवर अबाउट इट एक्सेप्ट व्हाट नीड्स टू बी डन इज ऑर्डर टू बी वन सेल्फ। इस एबनॉर्मैलिटी के बारे में कुछ नहीं कर सकती, यह मेरी शख्सियत का हिस्सा है, यही मैं हूँ। 13 तारीख दोपहर, यहाँ किसी लेखक से मुलाकात नहीं हो रही है, किसी को अंग्रेजी नहीं आती। 13 तारीख शाम, इस बार लगता है सिर्फ दो ही खत लिखने के लिए आई हूँ। तुम में बातें करने को जी कर रहा है, हर एक से बातें करने से बात खत्म हो जाती है, सिर्फ तुम्हारे साथ बात आगे चलती है, एक सांस से निकलने वाली दूसरी सांस की तरह।
अगला भी जो पत्र है वो भी अमृता ने ही लिखा है इमरोज को। जीती हकीकतों की हदबंदी से घबरा कर तलाश की हुई एक चीज होती है फैंटसी, पर सोचती हूँ जो गंभीरता से पाया जाता है वह इससे भी आगे जाता है, इसलिए तुम्हारा जिक्र उससे आगे है, बियॉन्ड फैंटसी। हेनरी मिलर के शब्दों में सारे आर्ट एक दिन खत्म हो जाएंगे, पर आर्टिस्ट जरूर रहेंगे। जिंदगी एक आर्ट नहीं होगी, आर्ट होगी। अगर यह मान लिया जाए कि हेनरी की कल्पना का एक समय 1000 साल में आ जाएगा, तो यह कहूंगी कि समय से 1000 साल पहले पैदा हो जाना तुम्हारा कसूर है। यह हर उस व्यक्ति का कसूर है जो सिर से पैर तक जीता है। इस दुनिया में सभी लोग ऐसे नहीं होते, हर किसी का आधा कुछ जन्म हो लेता है, आधा माँ की कोख में ही मर जाता है। हर मनुष्य अपना बहुत सा हिस्सा कोख की कब्र में दफना कर जन्म लेता है, और उसके लिए किसी पूरे मनुष्य को देखने से बढ़कर और कोई दुखदायी बात नहीं होती। सो इस दुनिया का तुम्हारे प्रति लापरवाह होना स्वाभाविक है, या ऐसा कहूँ कि हर वर्तमान की जड़ें केवल अतीत में ही होती हैं, पर तुम्हारे जैसे उस किसी का क्या है जिसके वर्तमान की जड़ें सिर्फ भविष्य में हैं। अगर 1000 साल बाद छपने वाली किसी अखबार की कॉपी मैं आज बाजार में जाकर खरीद सकूं, तो मेरा यकीन है कि मैं उसमें तुम्हारे कमरे में बंद पड़ी हुई तुम्हारी कला कृतियों का विवरण पढ़ सकती हूं। परफेक्शन जैसा शब्द मैं तुम्हारे साथ नहीं जोड़ूंगी, यह एक ठंडी और ठोस सी चीज का एहसास देता है, और यह एहसास कि इसमें से ना कुछ घटाया जा सकता है ना इसमें बढ़ाया जा सकता है, पर तुम एक विकास हो जिससे नित्य कुछ झड़ता है और जिस पर नित्य कुछ उगता है। परफेक्शन शब्द गिरजा की दीवार पर लगी हुई ईसा की तस्वीर की तरह है, जिसके सामने खड़े होकर बात खड़ी हो जाती है, पर तुम्हारे हाथ तुम्हारे साथ बात करने से बात चलती है एक सहजता से, जैसे एक सांस में से दूसरी सांस निकलती है। तुम जीती जागती हड्डियों की ईसा हो। एक पराए मुल्क से तुम्हें खत लिखते समय याद आया है कि आज 15 अगस्त है, तुम्हारे मुल्क की आजादी का दिन। अगर कोई इंसान किसी दिन का चिन्ह बन सकता है, तो कहना चाहूंगी कि तुम मेरे 15 अगस्त हो, मेरे अस्तित्व की और मेरे मन की आस्था की स्वतंत्रता का दिन हो तुम। यह खत अमृता दुब्रोवनिक अर्थात युगो इस्लाविया से लिख रही हैं। इतने समय बाद अब इमरोज पत्र लिखते हैं अमृता को। देखते हैं, मेरे आशी, आज सवेरे मनोज का फोन आया, मैं उससे मिलने उसके होटल गया। बातचीत करते करते बात चल पड़ी पंजाबी फिल्म बनाने की, पंजाब जैसी ठोस और पंजाबियों जैसी सच्ची फिल्म बनाने की। बात तुम्हारे नावल पिंजर पर आ गई, मनोज यह नावल पढ़ चुका है। मैंने अपने शब्दों में फिर कहानी सुनाई, पात्रों का निर्माण गठन और वातावरण और उस वातावरण में रची हुई पंजाबी सभ्यता। मनोज बड़ी संजीदगी से सुनता पूछता और समझता रहा। बात चलती दिख रही थी, भोपी के आने का समय हो गया था, मैं वापिस घर आ गया। घर आकर तुमसे बातें करने लगा, कभी अपने कमरे में बैठकर, कभी तुम्हारे कमरे में खड़े होकर। मैं देख रहा था पूरों को बोरी पर बैठे हुए, फलियों से मटर निकालते हुए, रसीद को घोड़े पर उसे उठाकर ले जाते हुए, और सुन रहा था बहुत आवाजें वारिस शाह को पुकार रही। यह पत्र इमरोज ने अमृता को लिखा था। अगला जो पत्र है वो अमृता का है इमरोज को। मेरे जीती, आज 21 तारीख इस शहर अर्थात दुब्रोवनिक में मेरा आखिरी दिन है। कल सवेरे 9 बजे के प्लेन से आर बरित जाना है, वहां से सतरुगा जहां कविता की शाम बनाई जाती है, और वहां से वापिस बेलग्रेड।
किताबों का बहुत बोझ है, मालूम हुआ है दफ्तर वाले अधिक सामान का किराया नहीं देंगे। अगर सवेरे वह किराया देना पड़ा तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं रह जाएंगे। वो 21 दिन के पैसे एक साथ दे चुके हैं। आज 22 तारीख को आर बरिद पहुंच गई हूँ। कल शाम जाली का एक थैला खरीद कर सब किताबें उसमें डाल ली, बाकी बड़े पर्स में, और दोनों थैलों को दोनों बाहों में उठा लिया। दोनों बाहों में पीड़ा हो रही है, लेकिन अधिक सामान के पैसे नहीं देने पड़े। यहाँ प्लेन में पानी तक नहीं पूछते, बहुत लंबा सफर था, आधी जान निकल गई, पर यहाँ पहुंचकर फिर जान में जान आई है। यह शहर आर बरिद एक बहुत बड़ी झील के किनारे पर बसा हुआ है। कोई 250 कवि इकट्ठे हो रहे हैं। 25, 26, 27 तीन दिन कविताओं की शाम मनाई जाएगी। अभी आते ही उन्होंने मेरी कविता अंग्रेजी में टाइप कर ली है, आग की बात, इसका अनुवाद करने के लिए। किताबें उठाने से थकी बाहों को दबा रही हूँ, पर थकान सफल हो रही है। नागमणि के डिजाइन देख कर सब खुश हो रहे हैं। हैरान है कि हिंदुस्तान में ऐसे पर्चे निकलते हैं और रस्क कर रहे हैं कि उनकी जबान में इस जैसा कोई पर्चा क्यों नहीं निकलता। अगला भी जो खत है वो भी अमृता का ही है। जीती मेरी जान, आज शत्रुघ्न के मेले में कविता पढ़ते समय लोगों ने जो प्यार दिया है उससे आंखें छलक आई हैं। पंजाब ने मुझे सारी उम्र निरादर सहते रहने की आदत डाल दी है, इसलिए बेगाने देशों में मिली इस नई चीज को झेलते समय बहुत अजीब लगता है। अगला पत्र अमृता का ही है। यहाँ से एक लेख लिख कर नागमणि के लिए पोस्ट कर रही हूँ, नए अंक में डाल देना। दुब्रोवनिक में भी एक आर्टिकल लिखा था, पर वह 20 पन्नों का था, उसकी कॉपी नहीं की गई। वह दिसंबर अंक में वापिस आकर छाप लूँगी। अगला भी जो पत्र है वो अमृता का ही है। जर्मनी से एक इनविटेशन मिला है एक हफ्ते के लिए। बेलग्रेड पहुंचकर तारीख पक्की करूंगी। एक इनविटेशन तेहरान से भी मिला है 3 दिन के लिए हमारी एम्बेसी के जरिए। सोचती हूँ सफर बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगला जो पत्र है वो है इमरोज का। इमरोज कहते हैं, माजा, इन 3 महीनों के लिए घर की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर छोड़ दो। ये 3 महीने अमृता के साथ अमृता के हैं, जो सिर्फ लेखक है, सारी की सारी लेखक। भोपी वैसे की वैसी है, प्यारी प्यारी। भोपी के इस अंकल में मम्मी शामिल हो गई हैं। इस शामिल होने का एहसास बड़ा ही नया है और पहला अनुभव है। जीती की तरह मैं दिन भर काम करता हूँ और तुम्हारी तरह दिन भर घर पर रहता हूँ। घर के लिए और अपनी दोनों बेटियों के लिए मेरा हर खत तुम्हारे नाम एक टोस्ट होगा। तुम्हारे नाम एक टोस्ट होगा। आगे की पत्र सुनने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संदर्भ बताता हूँ। अमृता जब हंगरी में थी उनके जन्मदिन पर लिखा इमरोज का खत। अब अमृता हंगरी से खत लिख रही हैं इमरोज को इमरोज के जन्मदिन पर। देखते हैं। पहला पत्र इमरोज का आएगा। इमरोज कहते हैं, मेरी अपनी आसी, आज का आंगन भरा हुआ है सारे मौसमों से, मौसमों के सब रंगों से, सुगंधों से, सभी त्योहारों से, सारे अदब, सारी पाकीजगी से, 365 सूरजों से। मैं आधी सदी के सारे सूरजों को लेकर इस आज को 31 अगस्त को तुम्हारे होने को टोस्ट दे रहा हूँ, सदी के आने वाले सारे सूरजों का। अमृता अब लिखती हैं इमरोज को, ओ मेरे जीती, कल सवेरे तड़के ही बेलग्रेड पहुंची थी। आने पर तुम्हारे 3 खत मिले, ऐसे जैसे यहाँ एयरपोर्ट पर तुम खुद मुझे लेने आए हो। इस समय तुम्हें खत लिखकर मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ। कल रात यहाँ बोहेमियन गली देखी, यहाँ एक कवि
एक्टर पेंटर्स मिलकर 19वीं सदी की परंपरा के अनुसार एक महीने के लिए जश्न मना रहे हैं। रात को मोमबत्तियां जलाकर पेंटिंग्स बेचते हैं, 19वीं सदी की साइलेंट फिल्म देखते हैं, पुराने नाटक खेलते हैं, एक और कोई मछली तल रहा है, यहाँ वे कविताएं भी पढ़ते हैं और भुने हुए कबाब भी खाते हैं। कल रात उन्होंने मुझे बुलाया था, कबाब खिलाए और मेरी कविताएं सुनी। एक एक्टर ने मेरी कविताओं का अनुवाद इतनी अच्छी तरह पढ़ा कि यह शाम हमेशा मुझे याद रहेगी। अगला भी जो पत्र है वो भी अमृता का ही है, इमरोज को। कल पहली तारीख को दोपहर के 1 बजे के प्लेन में हंगरी आ गई हूँ। बेलग्रेड की चमक दमक के बाद हंगरी की प्राचीन और समय की धूल सी मैली इमारतें बहुत चुप और उदास लगती हैं। कल शाम को 5 बजे PEN लेखकों की एक मीटिंग थी, उन्होंने बुलाया था। वहाँ बहुत सारे लेखक मिल गए, मिस्टर हुब्बा भी, जो कभी हमारे घर पर दिल्ली में हमसे मिले थे, और भी कितने ही कवि अपने पन से मिले। 31 तारीख को बेलग्रेड में अचानक मुझे पूर्वी अफ्रीका के एक कवि जम्बेरी ने फोन किया, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। यह तारीख उसने ब्लैक रोज में पढ़ी थी और बहुत सारे फूल होटल के रिसेप्शन रूम में आकर दिए। कलम की शाखाएं देखो कहां तक पहुंच जाती हैं। उस दिन दोपहर तक शॉपिंग की थी, तुम्हारे लिए एक ट्रांजिस्टर और एक युगो स्लाव कढ़ाई की नेशनल कमीज खरीदी, शैली के लिए कुछ रिकॉर्ड और कंदला के लिए एक जीन और एक नेशनल कढ़ाई वाला जीन्स टॉप। यहाँ अजीब कीमतें हैं, ट्रांजिस्टर बहुत सस्ते हैं, कमीज से भी सस्ते। दोपहर से लेकर रात तक बेलग्रेड से कोई 125 किलोमीटर दूर उस शहर गई थी जहां 1944 में जर्मन फौज ने शहर का एक एक जीव एक ही दिन में कत्ल कर दिया था। खून की कथा कविता जो हमने नागमढ़ी में छापी थी इसी शहर के बच्चों के बारे में है। मरे हुए बच्चों की याद में यहां पत्थर के 2 मरोड़े हुए पंख बनाए हुए हैं, बच्चों की टूटी हुई उड़ान के प्रतीक। यह लगभग 18 गज चौड़े और धरती से 10 गज ऊंचे हवा में खड़े हैं। पत्थरों पर बच्चों के छोटे छोटे चेहरे अंकित हैं। संग्रहालय में उनकी कुछ कापियां संभाल कर रखी हुई हैं, जिन पर ज्यामिति के प्रश्न हल किए हुए हैं और बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। दरागी कक्षा 7, सीलिया कक्षा 6। 7,000 मृतकों के प्रतीक के रूप में 2 सफेद बुत बनाए गए हैं, एक मर्द और एक औरत का। ये मूर्तिकला के अद्भुत नमूने हैं। पत्थरों में पीड़ा रेखांकित की हुई मैंने कभी ऐसी नहीं देखी थी। यूगोस्लाविया की मूर्तिकला बहुत एडवांस लगती है। कल सवेरे आने से पहले बेलग्रेड का संग्रहालय भी देखा था, पिकासो की पेंटिंग की नुमाइश भी, मैक्सिकन आर्ट की नुमाइश भी इन दिनों वहां हो रही थी, वह भी देखी। यह आर्ट मनुष्यों और जानवरों के आकार को अजीब तरह से मिलाकर पेश करता है। हर जगह तुम्हें याद किया, ये सब चीजें तुम्हारे देखने योग्य हैं। यूगोस्लाविया की एक औरत आर्टिस्ट जर्मनों के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रही थी, वह अभी जीवित है, उससे मिल नहीं सकी, वक्त नहीं था, पर उसके बनाए हुए बोट देखे, लोहे और पत्थर से बनाई हुई उसकी सेल्फ पोर्ट्रेट भी दर्द की लोहे में उतारी हुई तस्वीर। यूगोस्लाविया के लोग मुझे 21 अक्टूबर को फिर बुला रहे हैं एक हफ्ते के लिए, और यह कविता पढ़ने के लिए जो मैंने नागमढ़ी में छापी थी, पर लौट कर जाना मुश्किल है, खैर देखूंगी। अगला भी जो पत्र है वो भी अमृता का ही है, इमरोज को। कल सवेरा होते ही
तुम्हारा 31 तारीख का लिखा हुआ ऐसा खत मिला, ऐसा अगर एक जन्म में ना मिल सकता हो तो उसे पाने के लिए दूसरा जन्म भी लिया जा सकता है। तुम मेरे 31 अगस्त भी और बरस के 365 दिन भी। ऐसा खत पढ़कर वर्तमान के उबले हुए अंडे में से भी कोई भविष्य जन्म ले सकता है। नागमणि का नया अंक हंगरी में मिल गया था। यह पहली बार है जब मैंने नागमणि को एक दूर बसने वाले पाठक की तरह एक एक पृष्ठ पलट कर देखा है। टाइटल बहुत प्यारा है, सिर्फ प्रूफ की गलतियां बहुत हैं। आर बरिद से मैंने एक आर्टिकल भेजा था भातरुगा में हुए कविताओं के मेल के बारे में, वह संभाल कर रखना, अभी मत छापना। बेलग्रेड में भी एक आर्टिकल लिखा है, सब कुछ एक अंक में छापेंगे तस्वीरों के साथ। मैं यहाँ से 22 तारीख को रोमानिया जाऊँगी, वहाँ से अगले महीने की 12 को सोफिया, फिर 20 तारीख को जर्मनी। कल 8 तारीख को यहाँ से 4 दिन के लिए एक झील के किनारे जाना है, वहाँ कोई आरामगाह है। हंगरी देश पहली नज़र में उदास और मैला लगता है, लेकिन यह अपनी खूबसूरती को धीरे धीरे दिखाता है, जल्दी नहीं करता। रात को डैन्यूब दरिया के किनारे पर बिजलियों से झिलमिलाता हुआ बुदापेस्ट बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ मिस्टर नेथन के साथ मिलकर हिंदी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले मिश्रा जी भी आए हुए हैं। 2 साल के लिए अमेरिका जा रहे हैं, इसी मेरे वाले होटल में ठहरे हैं, गंगा जल भी साथ लाए हैं। कल मैंने अपनी कविता की एक पंक्ति उनको सुनाई थी, गंगा जल से लेकर वोदका तक, यह सफरनामा है मेरी प्यास का। अगला जो पत्र है वो इमरोज दे रहे हैं अमृता को। मेरी शायरा, तुम किसी एक धरती, किसी एक देश, किसी एक जवान या किसी एक कौम को बिलोंग नहीं करती, तुम बिलोंग करती हो उस धरती को जहाँ धरती दिल की तरह विशाल होती है और जज्बात सी महकती है। तुम बिलोंग करती हो उस देश को जहाँ अदब और कल्चर रात दिन बढ़ते हैं और हर तरह की हदबंदी से मुक्त। तुम बिलोंग करती हो हर उस जवान को जहाँ दिलों को सुनना भी आता है, देखना भी और पहचानना भी। तुम बिलोंग करती हो हर उस काम को जिसके लोग किसी भी अतीत में नहीं जीते, निरे पूरे नाद आज से जीते हैं और आज की तरह ही अपने आप के साथ जीते जाते हैं और एक दूसरे के साथ बसते भी हैं। तुम बिलोंग करती हो हर उस रात और उस दिन को जहाँ हर रात एक नई कृति के ख्याल को कोख में डालकर सोती है और जहाँ हर सवेरा एक नया गीत गुनगुनाते हुए दिन की सीढ़ियाँ चढ़ता है। माजा, तुम्हें रोमानिया भी जाना है और बेस्ट जर्मनी भी, जहाँ लोग तुम्हें अदब और प्यार से बुला रहे हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माजा, तुम मुझसे मिलने को वहाँ बेकरार हो और मैं तुमसे मिलने के लिए। इसी बेकरारी के अय्याम में मैं तुम्हें वहाँ हर जगह, हर मुल्क, हर शहर और हर महफिल में मिलूँगा। जहाँ भी तुम होगी मैं वहाँ जरूर होऊँगा। इकरार की हद से इधर अब कोई हद नहीं रही। इन मुल्कों की सब जबानों में अब मेरे नए नाम होंगे जो शायद तुम्हें बोलने में मुश्किल लगे, लेकिन जिन्हें पहचानना मुश्किल मुश्किल नहीं होगा। हर नई इमारत में मेरी सूरत और हर पुराने गिरजाघर में तुम मेरे कदमों के निशान पहचान लोगी। हर फूल में मेरा रंग और हर हवा में मेरी महक पाओगी। हर झील से मेरी गहराई और हर दरिया से मेरी रवानी को जान लोगी। हर नज्म के नए ख्याल से और हर गीत की धड़कती हुई लय से मैं तुम्हारी तरफ बार बार देखूंगा। माझा, मैं तुम्हें कभी थकने नहीं दूंगा। हर सुबह एक नया हौसला बनकर मैं तुम्हारी आंखों में जागूंगा और जीने की एक रौ बनकर मैं दिन के वक्त तुम्हारे पैरों में चलूंगा। शायरा, तुम्हें तोहरान भी जाना है, फारसी की अमीर तरीन शायरी के घर, उमर खय्याम और उसकी रुबाइयों से जीते जागते और महकते हुए मुल्क में।
तुम जब किसी पर्शियन आर्च में खड़ी उमर खय्याम के बारे में सोच रही होगी, मैं उस वक्त उमर खय्याम की रुबाइयों में एक और रुबाई को मिलते हुए देख रहा होऊंगा। ओ मेरी आर बरी झील, तुम क्या जानो कि यहाँ एक समुद्र तुम्हारे सामने है। एक बात आपको बताते हैं, वो भी देखते हैं। आर बरीद झील युगो इस्लाविया के दक्षिण की वह झील है जहाँ शायरी के जश्न के लिए गए शायर ठहरते हैं, जहाँ शायरी के जश्न के लिए गए हुए शायर ठहरते हैं। अगला जो पत्र है वो इमरोज का है अमृता को। माझा, तुम्हारे खत के इंतजार में सोच रहा हूँ कि मैं एक साज हूँ। दिन आता है तो मेरे तार को, एक एक तार को जगाता है और चला जाता है, पर रात की महफिल में कोई गीत नहीं जागता, नहीं जीता। मैं 30 दिनों से यह जुल्म जी रहा हूँ, एक साज की शक्ल में खामोशी का, एक पूरब की शक्ल में एक गीत के ना होने का, एक दिन की शक्ल में एक खड़ी हुई जिंदगी का। ओ मेरे सूरज, तुम पश्चिम से कब लौटोगे? तुम्हें क्या पता कि यहाँ एक महीना हो गया है, एक भी दिन नहीं चढ़ा, एक लंबी रात चल रही है, 3 महीने लंबी रात। अभी तुम्हारा खत आया है, हंगरी के नीले आसमानी रंग के कागजों से एक जैसे एक सूरज निकला हो। अगला भी जो पत्र है वो भी इमरोज का ही है अमृता को। माझा, एक सूरज आसमान पर चढ़ता है, आम सूरज सारी धरती के लिए साझे का सूरज, जिसकी रोशनी से धरती पर सब कुछ दिखाई देता है, जिसकी तपिश से सब कुछ जीता है, जन्मता है और फलता है। लेकिन एक सूरज धरती पर भी उगता है, खास सूरज एक मन की धरती के लिए, सिर्फ एक मन के लिए सारे का सारा। इससे एक बात एक रिश्ता बन जाती है, एक ख्याल एक रचना और एक सपना एक हकीकत। इस सूरज का रूप इंसान का होता है, इंसान के रूपों की तरह इसके भी कई रूप हो सकते हैं। आमतौर पर यह सूरज एक ही धरती के लिए होता है, लेकिन कभी कभी आसमान के सूरज की तरह आम भी हो जाता है सबके लिए। यह देवता, गुरु या पैगंबर के रूप में आता है। मैंने इस सूरज को पहली बार एक लेखिका के रूप में देखा है, एक शायरा के रूप में। किस्मत कह लो या संयोग, मैंने इसे ढूंढ कर अपना लिया है, एक औरत के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में और एक महबूबा के रूप में। अगला पत्र अमृता लिखती है इमरोज को। जीती, आज सवेरे इंडियन एम्बेसडर ने अपने घर बुलाया था, कल एयरपोर्ट पर भी किसी को भेजा था ग्रीट करने के लिए। इस समय मेरे कमरे में 2 देशों के बड़े लाल लाल फूल सजे हुए हैं, एक यूगोस्लाविया से विदा होने के मौके पर और दूसरी हंगरी के स्वागत के अवसर पर। हंगरी में अच्छी चाय नहीं मिलती, कॉफ़ी अच्छी है पर चाय कड़वी, बेस्वाद और लिसलिसी भी। आज इंडियन एम्बेसी ने मुझे हिंदुस्तानी चाय का एक बड़ा पैकेट दिया है, रोमानिया से बुलावा आ गया है, लगभग 21 तारीख को रोमानिया जाऊंगी, 15 अक्टूबर तक वहां रहकर फिर बल्गारिया और फिर जर्मनी। रास्ते में कोई 3 दिन तोहरान और नवंबर के पहले हफ्ते में वापिस दिल्ली पहुंच जाऊंगी। सच जीती, फासिज्म के अर्थ हमारे हिंदुस्तान में किसी की समझ में नहीं आ सकते, यूरोप ने इसे भुगता है। अभी तक हंगरी में शहरों की दीवारों बमों के धुएं से काली और छली हुई है, मारे हुए लोगों के सिर्फ मॉन्यूमेंट रह गए हैं। यह कुछ तस्वीरें, कैंडी और नागी को मेरा प्यार। अगला जो पत्र है वह है अमृता का इमरोज को। मेरे जीती, तुम्हारे खतों में दोहरी भागती है, वो मुझे वहां भी बुलाते हैं और यहाँ भी ठहराते हैं। शैली का कभी बड़ौदा से खत आया है या नहीं, कंडला बेटी बहुत याद आती है। अभी मेरी इंटरप्रेटर आई है, दफ्तर से तुम्हारा खत लाई है। मेरी जान जीती, तुम्हारा हर खत मेरे होठों पर ताजा सांस की तरह
आता है। अगला जो पत्र है वो अमृता का ही है, देखते हैं। मेरी नागी के कलाकार हंगोरियन लेखक बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सादा दिल, पाक नजर, दुनिया भर के साहित्य को जानने के लिए प्यासे। तुम्हारी नागमढ़ी के अंक देख देख अघाते नहीं, रोज बारी बारी से उनके घर जाती हूँ, वो रोज बारी बारी से मेरे होटल आते हैं। मेरा कमरा नित्य ताजा फूलों से महकता रहता है, वो हाथ में फूल जरूर लाते हैं। दो हंगेरियन कवियों की कविताएं किताबें इस समय पेंगुइन सीरीज में छप रही हैं। लेखक में नए प्रयोगों के लिए अब ये आतुर हैं। लगभग 10 साल इनकी कलमों पर बहुत शक्ति रही है, यह समय इन्होंने सांस रोक कर काटा है, अब इनकी रचनाएं स्वीकार की जा रही हैं। कल यहाँ का एक कवि केवल गिन्सबर्ग की कविताएं मुझसे सुनने आया था, झूम रहा था और सोच रहा था कि अभी भी ये कविताएं क्यों उसके मुल्क में नहीं छप सकती। आज कभी हंगरी से जाने के दिन तुम्हारे 3 खत एक साथ मिले हैं, 6 तारीख का, 12 का और 13 का। मुझे लग रहा है कि आज तुम और मैं एक साथ रोमानिया जा रहे हैं। अगला जो पत्र है वो भी अमृता का ही है। कमाल है जीती, रात को 10:15 बजे रोमानिया पहुंची थी। एयरपोर्ट पर इंडियन एम्बेसी की ओर से भी गाड़ी आई हुई थी। संदेश मिला, सवेरे किसी समय मैं एम्बेसी आऊं। सवेरे चाय पीकर गई तो जाते ही तुम्हारे 2 खत मिले, जैसे तुम मुझसे भी पहले मुझे लेने के लिए यहाँ रोमानिया पहुँच गए थे। तुम्हारा होना हर फासले से बेनियाज है, तुम्हारा होना राह भी है और मंजिल भी। हकीकत की तरह धरती पर एक जगह खड़ा भी है और कल्पना की तरह हर जगह हर पसारे में भी। इस दुनिया में मुझे जहाँ भी जो कुछ अच्छा लग रहा है वह सब तुम्हारे होने के कारण। तुम्हारा होना इसकी पृष्ठभूमि, तुम्हारा होना इसका क्षितिज। एम्बेसी से तुम्हारे खत लेने के बाद अपनी इंटरप्रेटर के साथ दफ्तर की गाड़ी में घूमकर शहर देखा। 5 मंजिल, 9 मंजिल, 11 मंजिल की इमारतों का हर बरामदा फूलों से भरा हुआ, चौक बुतों से सजे हुए, सड़कों के बीच की पटरियाँ फूलों से लाल हरी लकीरें बनाती हुई बड़ा मनोरम शहर है। शहर में कितने ही बाग और झीलें हैं। 1:30 बजे राइटर्स यूनियन का बुलावा था। तुम्हें शायद जहरिया स्टॉन्को का नाम याद हो, जिनके नॉवेल बेयर फुट के संबंध में बहुत समय हुआ अपने एक लेख में मैंने उनका उल्लेख किया था। वह मुझे एशियन राइटर सम्मेलन के अवसर पर दिल्ली में मिले थे। यहाँ वह यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। दोपहर का खाना उसके साथ खाना था। कुछ रूसी लेखक भी आए हुए थे। 2 बजे खाना शुरू हुआ, 5 बजे खत्म हुआ। बहुत लंबे और शायराना टोस्ट दिए गए। रूसी लोगों का एक टोस्ट था शायरी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अमृता को मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि शायरी हिंदुस्तान में पैदा हुई। और कई टोस्ट थे। मेरा टोस्ट था हमारी जबान में साकी शब्द उसके लिए है जो जाम भरे। उस समय मैं जबान जहारिया स्टांको हम सबके लिबासों में वाइन डाल रहे थे, गिलासों में वाइन डाल रहे थे। पर इस शब्द का अगर रोमानिया की जबान में तर्जुमा करें तो बनता है जहारिया स्टांको। मेरी जान जीती, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टोस्ट तुम्हारे होने का नाम। यह पत्र अमृता ने 23 सितंबर 1967 को नॉर्थ होटल बुखारेस्ट से लिखा था। अगला भी जो पत्र है वो भी अमृता का ही है। जर्मनी का टिकट आज दोपहर तक भी इंडियन एम्बेसी में नहीं पहुंच रहा था। जर्मनी एम्बेसी ने बताया कि टिकट वहां से भेजा जा चुका है। उन्होंने केवल देकर टिकट का नंबर भी मालूम कर लिया है, लेकिन टिकट कहीं से भी नहीं मिल रहा था। आखिर एक बूढ़े रोमानियन ने बताया कि हवाई जहाज के दफ्तर से मालूम करें, वह टिकट रख लेते हैं, पहुंचाते नहीं। आज सारा दिन खपने के बाद पता चला कि टिकट हवाई जहाज के दफ्तर में ही पड़ा है। यहाँ लोग बताते हैं हमें अगर 60 दिनों में भी अपने दफ्तरों से खत का जवाब मिल जाए
तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। यह भी सोशलिज्म है, यह भी सोशलिज्म है। अगला भी जो खत है वो इमरोज का है। माझा, चारों ओर दुनिया एक ऐसी भीड़ दिखाई दे रही है जो सच को जीते जी किसी गंगा में बहा आई हो या कहीं दफन कर आई हो, और अब इस सच को, समाधि को, इस सच के मकबरे को सब पूज रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। नजर नजर में, बात बात में, रिश्ते रिश्ते में, एक एक आदमी में इस समाधि की, इस मकबरे की परछाई दिखाई देती है। कितनी अजीब बात है, इन्हें लाश स्वीकार है लेकिन जिंदगी नहीं। कोई वक्त था हम कोई रिश्ता बनाते वक्त, कोई काम करते वक्त, कोई व्यापार शुरू करते वक्त, और कुछ भी करने लगते तो बिस्मिल्लाह कहा करते थे, लेकिन अब कंप्रोमाइज सुन रहे हैं, यह जानते हुए भी कि कंप्रोमाइज कमजोरी और डर की पैदावार है। जिंदगी एक ऐसा फूल बनती जा रही है जिस पर समय की धूल पड़ रही है, लेकिन नजर की भाम बनम नहीं। अगला भी जो पत्र है वो भी इमरोज का है। माझा, मैं अकेला बैठा तुम्हें सोच रहा हूँ। तुम्हें वेस्ट जर्मनी पहुँच रही होगी, तुम वेस्ट जर्मनी पहुँच रही होंगी। मेरे ख्यालों का हिसाब सुनो, वेस्ट जर्मनी जमा दस दिन जमा अमृता बराबर है। एक हसीन सफर। भोपी आज साड़ी पहनकर घर में ऐसे घूम रही है जैसे किसी छोटी सी चिड़िया को अचानक पंख मिल गए हों, जिसकी वजह से उससे टिका ना जा रहा हो। वह अपने बॉयफ्रेंड का इंतजाम कर रही है, कभी पानी पीती है, कभी बरामदे से बाहर झांकती है, कभी कमरे में जाकर शीशे में जैसे अपना आप घड़ी घड़ी बन देखना पड़ रहा हो पंखों समेत। सो आज का हिसाब है, जवानी जमा पंख जमा सपने जमा इंतजार बराबर है एक मैडनेस। खतों के जरिए बातें करने की यह लड़ी आज आखिरी है। जब तुम्हें यह खत मिलेगा तुम वापसी की तैयार रही होगी। मैं मोमबत्तियां रख कर दिवाली का इंतजार करूंगा, अपनी दिवाली का, जो लोगों की पहली तारीख की दिवाली के 3 दिन बाद आएगी। तुम्हारे साथ, तुम्हारे आने के साथ ही ये मोमबत्तियां जल उठेंगी, यह घर जगमग कर उठेगा, मैं जाग उठूंगा, मेरा होना जगमगाएगा। यह पत्र इमरोज लिखते हैं अमृता को 21 अक्टूबर 1967 को।